जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की सहरी है सहरी नंबर 10। और सहरी नंबर 10 में मैं क्या खाने वाली हूँ, मैं खाने वाली हूँ सीरियल। इधर ये रहा, ये है फौजी का सीरियल, ठीक है। और ये जो ओट्स मिलते हैं ऑलमोस्ट रेडी टू कुक होते हैं, ये मैं बनाऊँगी। उसके साथ में ग्रीन टी बनाऊँगी, ये कीड़ा क्यों बोलने लग गया। और ग्रीन टी एंड टू बॉयल एग्स वाइट, ठीक है। योग हम लोग साइड पे कर देंगे, हम लोग खाएंगे ओट्स ग्रीन टी एंड टू एग वाइट्स, क्योंकि मेरे पिंपल्स निकल रहे, आई डोंट नो क्यों निकल रहे। और वेट पे भी कंट्रोल करना है, हमने थोड़ी डाइट का भी ख्याल करना है। और बाय द वे, ये पता नहीं मुझे क्या लगा है, मैंने वॉच पहनी थी तो कुछ लग गया है। हालांकि वॉच में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिलिकॉन वाला बैंड था, बट आई डोंट नो, हाथ पे निशान पड़ते रहते हैं। वैसे इतने काले नहीं है, लेकिन कुछ कुछ व्लॉग्स में ना इतने काले काला शेड आ रहा होता है कि क्या बताऊं। चलिए ठीक है, हम लोग बनाते हैं अपनी सहरी, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। और देना आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। बस कुछ अच्छा सा खा लिया करें, हेल्दी सा कुछ भी। और अभी मुझे चिकन पड़ा हुआ है, वो बनाने का दिल नहीं करा, कुछ और खाने का दिल नहीं करा, एंड अंडा फ्राई खाने का दिल नहीं करा। रोटी तो खाने का दिल ही नहीं करता ना, मतलब दिल करता है कुछ और खा लूँ लेकिन रोटी ना खाऊं। ऐसी बात नहीं है, मुझे भूख नहीं लगती, भूख बहुत लगती है लेकिन रोटी वाली नहीं लगती, कुछ और वाली लगती है, लाइक कुछ और खाने का। मैं ना खाने के मामले में थोड़ी अंग्रेज हो चुकी हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा ही दूँ, यह है फौजी का सीरियल, ये वाला ना आप लोगों को पता ही होगा। दो अंडे, और देखिए मैंने अपना बेड आज चमचमाता हुआ किया हुआ है। हाँ जी, सेटिंग, ये है मेरा पिकाचू। अच्छा तो हम लोग लेंगे इतना से ओट्स, इतने इनफ हैं। और मैंने ना ये देखी बड़ी ले ली है, क्योंकि ना मुझे कोई बर्तन नहीं मिल रहा था, आउट मेरा चल रहा। तो अब इसमें ना हम लोग ओट्स को थोड़ा सा भूनेंगे, लाइक रोस्ट करेंगे, क्योंकि फिर अगर मैं ऐसे इसको बना लूँ, वो भी मैं खा लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट मुझे मज़े का नहीं आता। तो रोस्टेड मैंने ट्राई किए थे और ये मैंने सुटीन मेंशन किया, पता नहीं लोग करते होंगे या नहीं, लेकिन मैं अपना टेस्ट खुद बना लेती हूँ। हम अब फ्लेम ऑन कर देते हैं, उसको भून लेते हैं। अच्छा, ये भी वाली बात होगी कि मैं इसको हिलाती रही थोड़ी देर, मैंने दूसरी साइड पे देखा तो ये ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गया। इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हाफ कप नॉन, थोड़ा सा हम लोग इसका फ्लेम फिर ऑन कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, देन हम इसमें दूध डाल देंगे, ठीक है। पानी इसका ऑलमोस्ट सूखने वाला है, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं माई मोस्ट फेवरेट ब्रांड, डाल। अब इसको करेंगे, अब इसको बॉईल, नेक्स्ट इसको पानी सूखने तक हम लोग करेंगे बॉईल। तो ये ऑलमोस्ट डन है, इतना सा हम लोग कंसिस्टेंसी रखेंगे, इतना थिक रखेंगे, एंड देन सर्व कर देंगे। अच्छा जी, दिस इज़ आवर सहरी, और आज इसकी मैं योग नहीं खाऊंगी, बाकी खा लूँगी। ये दो फ्लेवर की होती हैं, जैस्मिन और इलायची। एंड दिस इज़, देखिए कंसिस्टेंसी और देखने में मज़े का लग रहा है। ऑलपर्स में लाइक इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुले दूध में नहीं। और ये हमारी ग्रीन टी है और ये हमारा पानी, अब हम लोग खाते हैं, दर मिलते हैं। जी जनाब, तो ये थी मेरी इफ्तारी, जो कि एक दही बड़े का छोटा सा बाउल था। तो बस ये सारी और इफ्तारी थी, और आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि बस थोड़ा सा ही खाया था और हेल्दी खाया था, तो ज़्यादा क्या शेयर करती, जो खाया था वही शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, ठीक है जी। और नेक्स्ट मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ सहरी इफ्तारी व्लॉग के साथ, कुछ आप लोगों के लिए मेकअप और स्किन केयर और हेयर केयर टिप्स। तो स्टे ट्यून व्लॉग को देखिएगा और उससे मुस्तफीद होइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।